वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। सो कैसा रहा आपका ब्रेक? एंड उसी में, उस ब्रेक में मुझे जानवी जी ने बताया कि सर राइट आंसर आएगा तो अब से हम डैब करेंगे। मैंने पूछा क्या करेंगे, उसने कहा डैब करेंगे। क्या करेंगे? डैब करेंगे। तो आप जहां भी आपके घर पे हो, अगर आपका राइट आंसर आ जाए तो आप क्या करेंगे? डैब करेंगे। चलो, सो ऑन दैट डैबिंग नोट, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10। सो ये यूजुअली हम हमारे इंटर के बैचेस में करते हैं डैबिंग। शी वॉज राइट। फाइनल के बैच में क्या लगता है, कभी कभी भाई बहुत ओवर मेच्योर्ड लोग हैं, ओवर स्मार्ट लोग होते हैं, तो उनको लगता है ये क्या है, ये सब नहीं चलेगा, पढ़ाओ। ठीक है, पढ़ा रहे भाई, बट इंटर में तो चुलबुलापन होता है, बचपना होता है, होना भी चाहिए। सुबह सुबह ऐसे किया तो मम्मी मेंटल हॉस्पिटल एडमिट करवा देगी। सही बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाता है गाइस। ऑन दैट नोट एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट। सो जैसा मैंने बोला था, आज का जो दिन है वो मैं आप लोग के लिए देखो, तो भाई ऐसे तो मैं बहुत सारी चीजें आगे आगे करवाने वाला हूँ जिससे तुम्हारे घर वाले बोलने वाले तुम्हारे को कि गया। कोई बात नहीं, जब रिजल्ट आएगा तब तो अपन उनको बता देंगे, प्रूव कर देंगे कि हाँ भाई वो मेंटल कंडीशन क्यों थी। सो आज जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मेरा फोकस है प्रैक्टिकल सम्स के ऊपर। फिर वापस से कल से अपन बोलते ना, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों को बैलेंस आउट करके चलते चलेंगे। अभी आ जाओ फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। अ म्यूचुअल फंड दैट हैड अ नेट एसेट वैल्यू ऑफ ₹20 एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ मेड इनकम एंड कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 0.0375 एंड 0.03 पर शेयर रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द मंथ एंड देन एंडेड द मंथ विद अ नेट एसेट वैल्यू ऑफ 20.06। कैलकुलेट मंथली रिटर्न। अच्छा, इधर पर शेयर बेसिकली पर यूनिट है आपका। सो उसके लिए, उसकी वजह से डोंट गेट कंफ्यूज्ड, यू कैन राइट दिस एज पर यूनिट। पर शेयर भी गलत नहीं है। म्यूचुअल फंड में कई बार बोलते हैं ना, एक फ्लो में वो ऐसा भी बोलते हैं कि भाई इतना पर शेयर अपन लोग ने इतना डिविडेंड दिया, वैसा राइट। चलो, क्या अब अपन लोग ये सम सॉल्व कर पाएंगे? क्या ट्राई करेंगे? आ जाओ, अपने को क्या कैलकुलेट करना है, रिटर्न कैलकुलेट करना है। एंड ये कैसा भी फंड हो, ओपन एंडेड क्लोज एंडेड, उसे कोई लेना देना ही नहीं है। उसने अपने को बिगिनिंग एनएवी दिया हुआ है, बराबर है। उसने अपने को क्लोजिंग एनएवी दिया हुआ है, तो उससे मुझे पता चला कि आज मेरा एनएवी कितने रुपए से बड़ा है। आज नहीं, एक महीने में मेरा एनएवी कितना बड़ा है। दूसरा, उसने मुझे दिया है कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने ये महीने में कितना डिविडेंड दिया है, ये महीने में उसने कितना कैपिटल गेन दिया है मेरे को, तो मुझे कितना पैसा आया डिवाइड बाय मैंने ओरिजिनली कितना इन्वेस्ट किया था, विल गिव मी माय रिटर्न्स, राइट। सो यहां पे एक फॉर्मूला अपन लोग खुद ही बना देते हैं कि भाई व्हेन 2 इयर्स या 2 पीरियड्स, 2 ड्यूरेशंस नेट एसेट वैल्यू इज गिवन, तो आप रिटर्न कैसे कैलकुलेट करोगे? आप रिटर्न कैसे कैलकुलेट करोगे? इट विल बी क्लोजिंग नैव माइनस ओपनिंग नैव, क्योंकि इससे मुझे पता चल जाएगा कि भाई ये मैंने कमाया है इतना, क्योंकि भाई 10 रुपए की चीज 12 हो गई, 2 रुपया मेरा कैपिटल अप्रिसिएशन है। बेसिकली क्या है? कैपिटल अप्रिसिएशन, राइट। प्लस प्लस म्यूचुअल फंड ने मुझे डिविडेंड दिया है, सो डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम म्यूचुअल फंड प्लस कैपिटल गेन रिसीव्ड फ्रॉम म्यूचुअल फंड डिवाइड बाय, ना रिटर्न फाइंड करना है, डिवाइड बाय ओपनिंग नैव, डिवाइड बाय ओपनिंग नैव। गॉट इट? डन? चलो, अब इस क्वेश्चन में
ओपनिंग नैव कितना है, सीधा फॉर्मूला यूज करना है अपने को, ओपनिंग नैव है 20, क्लोजिंग नैव है 20.06, सो रिटर्न इज इक्वल टू 20.06 माइनस 20 प्लस इनकम एंड कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन 0.0375 प्लस 0.03 डिवाइड बाय 20, बोलो कितना है रिटर्न। ये मेरा आ जाता है 20.1275 डिवाइड बाय 20, सॉरी 0.1275 डिवाइड बाय 20 करूंगा मैं मल्टीप्लाई बाय 100, तो 0.6375% बट याद रखना दिस इज पर मंथ। कोई भी चीज को पर एनम में कन्वर्ट करना हुआ तो अगर पर मंथ है तो मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स कर देंगे तो पर एनम मिल जाएगा। मुझे नहीं पता पूछा है कि नहीं, बट ठीक है। सो एनुअली ये 7.65% पर एनम का रिटर्न दे रहा है। डन गाइस। Done. Sure. इसी के साथ चलेंगे अपन अपने अगले प्रश्न के ऊपर। एंड हियर इट इज, एक्स वाई जेड म्यूचुअल फंड। चलो, योर टाइम बिगिंस नाउ, 2 मिनट्स इज व्हाट यू हैव, स्टार्ट एंड एंड इट। Here you are. ये रहा ना एक्स वाई जेड म्यूचुअल फंड, देख हाईलाइट किया हुआ है प्रीति। परफेक्ट, सब लोगों को समझ में आ गया, सब लोग ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। सो आई विल स्टार्ट नाउ। नैव पर यूनिट ऑफ एक्स वाई जेड अ क्लोज्ड एंडेड फंड ऑन 1/1/2014 वाज ₹28। क्लोज्ड एंडेड फंड है ये, तो क्लोज्ड एंडेड फंड का याद है ना अपने को रिटर्न कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सो
क्वेश्चन है ये, जिसका नाम है एक्स वाई जेड म्यूचुअल फंड। और ये एक्स वाई जेड म्यूचुअल फंड क्या है, इट इज अ क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। ओके, अच्छा ये क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड का क्या सीन है, 1/1/2014 को जब हमने इसको आई थिंक परचेज किया था, तब इसका नैव था 28, बट क्लोज एंडेड फंड को अपन नैव पे नहीं परचेज करते, अपन मार्केट प्राइस पे परचेज करते हैं, है कि नहीं? तो देखेंगे क्या मार्केट प्राइस है उसका। द वैल्यू एज ऑन 31/12/2014, एक साल पश्चात, 31/12/2014 क्या बोला है वो लोग ने, द वैल्यू ऑन 31/12/2014 कम्स टू 28.8, मतलब नैव ऑन 31/12/2014 आता है 28.8। ओके, द ऑन द सेम डेट यूनिट वॉज ट्रेडिंग इन द मार्केट एट अ प्रीमियम ऑफ 3%। सो यहां पे भाई इसका मार्केट प्राइस अगर मेरे को निकालना है ना, इसका मार्केट प्राइस तो कितना हो जाएगा, सो 28.8 × 103%, सो 29.664। तो मार्केट प्राइस एज ऑन 31/12/2014 है ये। फिर बाद में दो ऑन 1/1/14 जब खरीदा था, जिस दिन 1/1/14 सेम वॉज ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट एट द रेट 5%। अच्छा एफआ जब परचेज किया था ना उस दिन पे इसका मार्केट प्राइस डिस्काउंट पे चल रहा था, तो हमने खरीद लिया 28 - 5%। इधर चाहिए तो ये मैंने थोड़ा हाई फाई लिख दिया, इधर ऐसे कर दो 28.8 + 3%, सो 28 - 5% होता है 26.6। सो बेसिकली अगर मैंने परचेज किया है तो मार्केट प्राइस पे म्यूचुअल फंड वो प्राइस पे परचेज होता है, सेल किया है तो भी मार्केट प्राइस पे हुआ है। ओके, उसके बाद ऑन 31/12/2014 XYZ डिस्ट्रीब्यूटेड अ सम ऑफ 2.8 एज इनकम्स एंड कैपिटल गेन्स। अपने को रिटर्न कैलकुलेट करना है। सो यहां पे और एक चीज बोल दिया उन्होंने, क्या कि भाई डिविडेंड एंड कैपिटल गेन भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ इन्वेस्टर को ऑफ 2.8। सो डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन भी मिला है 2.8 per unit। डन, चलो। सो अब अपन लोग कैलकुलेट करेंगे रिटर्न, राइट? क्लोज एंडेड के उसमें रिटर्न क्या होता है, सेल प्राइस, फॉर्मूला एग्जाम में तो लिखना ही पड़ेगा भाई, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस प्लस डिविडेंड / अदर इनकम डिवाइड बाय परचेज प्राइस। तो सेल प्राइस कितना है, 29.664। परचेज प्राइस कितना है, 26.6। डिविडेंड या अदर इनकम कितना है, 2.8 डिवाइड बाय परचेज प्राइस 26.6। सो कितना मिलता है, 22.0451%। इसमें भी यार मैं तो 4 डेसिमल ही लेता हूं यार, रिक्स नहीं लेने का कुछ भी, है ना? चलो डन। सो क्लोज एंडेड फंड का भी रिटर्न कैलकुलेट करना आ गया अपने को अच्छी तरह से, कोई शक इसमें? गुड।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कहना है अभी देखो एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है, एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है। पहले मैंने बनाया एक समरी, क्वेश्चन रीड करते करते ये मैंने समरी बनाया है, एग्जामिनर को दिखना चाहिए कि हाँ भाई एफर्ट दिए है सम सॉल्व करने के लिए, और फिर बाद में फॉर्मूला लिखा, समरी से नंबर्स उठा के लिखा, और फाइनली मेरा आंसर आया। सिस्टम सिस्टम फॉलो किया है, ठीक है। सो प्लीज एंश्योर टू यूज दैट फॉर्मेट, ऊपर नीचे होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है वो सब आ जाना चाहिए, ठीक है ना। सो फॉर्मेट ऊपर नीचे होगा उसका कोई टेंशन नहीं है, ये सर मेरा प्रेजेंटेशन ऐसा है तो चलेगा क्या, चलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, बट इन्फॉर्मेशन सब आना चाहिए। कहीं पे भी आपने इन्फॉर्मेशन मिस किया और प्रेजेंटेशन कुछ और है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बट इन्फॉर्मेशन इज देयर, कोई टेंशन नहीं। सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा क्या, सीम्स इजी, 5 मार्क ICAI क्वेश्चन लिख दे उधर, यस 5 मार्क ICAI क्वेश्चन है, यू नेवर नो, क्वेश्चन इजी होता है। अरे एग्जाम में इजी ही चीजें पूछते है रे, तो अपन उसको ओवर थिंक करके या पैनिक में थोड़ा डिफिकल्ट बना देते हैं। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, कैलकुलेशन ऑफ नैव मॉड्यूल क्वेश्चन, एवरीबॉडी स्टार्ट। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड, देखो आज का सेशन में एकदम, मैंने बोला ना फर्स्ट 2 सेशन एकदम हेवी थे, थ्योरी हुआ अपना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक जस्ट स्टार्ट हुआ, तो आज मुझे चाहिए था कि विल जस्ट कीप प्रैक्टिकल्स, विल कीप इट लाइट, कल से वापस से लेवल बढ़ा दूंगा, डोंट वरी। अब आज मेरे को ये सम्स का एक सिस्टम सेट करना था, एक फ्लो सेट करना था, वो अब मैं सेट कर चुका हूं, अब टेंशन नहीं है। सो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्टडी म्यूचुअल फंड स्कीम, एसेट वैल्यू एट द बिगिनिंग, एनुअलाइज्ड रिटर्न, डिस्ट्रीब्यूशन मेड इन द नेचर ऑफ इनकम एंड कैपिटल गेन पर यूनिट 0.5 एंड 0.3, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मंथ एंड नेट एसेट वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम। अब तक अपन रिटर्न्स कैलकुलेट कर रहे थे, इस क्वेश्चन में रिटर्न्स दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में रिटर्न्स दिया हुआ है, अपने को कैलकुलेट करना है नेट एसेट वैल्यू एट द एंड। कर पाएंगे, आई एम श्योर कुछ लोगों ने ट्राई कर दिया है, करो ट्राई करो, बट अब देखो गेम किधर बदलता है इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस में। जैसे पार्थ ने अभी बोला ना, सर क्वेश्चन तो कितना सिंपल है, ये क्वेश्चन सिंपल है बट गलती किधर होता है मैं बताता हूं। यहां पे ये दिया है एनुअलाइज्ड रिटर्न, बट यहां पे एसेट वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, और अपने को यहां पे बोला है कैलकुलेट द मंथ एंड नेट एसेट वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम। मतलब यहां पे चीजें चल रही है इन टर्म्स ऑफ मंथ, जो चेंजेस दिया है वो सब मंथ का दिया है, बट रिटर्न वो लोग ने एनुअल दिया है, तो कंपेरेबल नहीं हुआ ना, एक मंथ का एक एनुअली। सो कहीं ना कहीं अपने को दोनों में से एक, या तो इसको एनुअल या इसको मंथली करना पड़ेगा। सो अब 3-4 चीजें मंथ में दी हुई है, तो रिटर्न को खाली एक को अपने को करना है, तो अपन मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे, समझ रहे हो, और फिर बाद में वी विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। So, ये छोटी छोटी चीजों का अपने को ध्यान रखना पड़ता है एग्जाम में। देखो इधर हम लोग ने लिखा भी है आपके लिए, सिंस द रिटर्न इज टू बी कैलकुलेटेड एट मंथली लेवल, इट विल फर्स्ट बी कन्वर्टेड इनटू एनुअल रिटर्न, विल फर्स्ट बी कन्वर्टेड इनटू मंथली रिटर्न। कैसे करेंगे आओ देखते हैं। एनुअलाइज्ड रिटर्न इज 15%, क्वेश्चन का नाम है स्टडी म्यूचुअल फंड ICAI मॉड्यूल का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा वो लोग ने क्या दिया क्वेश्चन में, गिवन क्या है, गिवन गिवन इन्फो क्या है, एनुअलाइज्ड रिटर्न कितना, एनुअलाइज्ड रिटर्न 15%, बराबर है। सो अपन यहां पे लिखेंगे Since all other info given in the question is on monthly basis, we will
कन्वर्ट द एनुअलाइज्ड रिटर्न टू मंथली रिटर्न, राइट। सो कैसे करते हैं कैलकुलेट एनुअलाइज्ड रिटर्न को मंथली में? तो फॉर्मूला वॉर्मूला है वो शायद मैं आगे आपको सिखाऊंगा भी, बट फिलहाल इसको मैं लॉजिकल रखता हूं, फिलहाल मैं इसको लॉजिकल रखता हूं। कैसे, ये देखो इधर, अगर एनुअल का 12 महीना मतलब 15% अपने को तो एक महीना चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल। 12 महीने का 15% तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो 15 इंटू 1 डिवाइड बाय 12 इट विल बिकम 1.25%। बोला बोला चल चल। तो ये 1.25% पर मंथ हुआ। चलो अब आप लोग कैलकुलेट करेंगे, कम ऑन एवरीवन। मेन जो मेरे को पॉइंट बताना था इस क्वेश्चन में मैंने बता दिया है। कौन स्टार्ट एवरीवन? आया किसी का भी आंसर? हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैपिटल गेन इज अज्यूम्ड मंथली। कौन कौन? एवरीबडी एवरीबडी, सब लोगों को फटाफट सॉल्व करके बताना है यार, आई एम वेटिंग। स्टार्ट करेंगे। ओके सो अभी देखो, एज यूजुअल अपना लास्ट टाइम रिटर्न वाला जो फॉर्मूला है वो अपन लोग लिख सकते हैं। इधर क्या नैव वाला? हाँ, क्लोजिंग नैव, ये वाला फॉर्मूला अपन लोग लिख सकते हैं भाई। रिटर्न इज इक्वल टू क्लोजिंग नैव माइनस ओपनिंग नैव प्लस डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम म्यूचुअल फंड एंड कैपिटल गेन डिवाइड बाय ओपनिंग नैव। टर्न परसेंट इज इक्वल टू ओपनिंग नैव, सॉरी क्लोजिंग नैव माइनस ओपनिंग नैव प्लस कैपिटल गेन डिविडेंड इनकम अपॉन ओपनिंग नैव। अच्छा, रिटर्न परसेंटेज कितना है? इट इज 1.25%, मतलब 1.25 डिवाइड बाय 100 भी लिख सकता हूं मैं, कभी भी। मैं तो है ना ऐसे ही करता हूं, मैं परसेंटेज में नहीं रखता हूं क्योंकि फिर मल्टीप्लाई बाय 100 और वो सब मुझे याद नहीं रहता है। तो 1.25 डिवाइड बाय 100 कर दिया, 0.0125, ठीक है। ओके, इज इक्वल टू क्लोजिंग नैव भी अपने को कैलकुलेट करना है भाई, मंथ एंड नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो अपने पास क्लोजिंग नैव है नहीं, लेट इट बी एक्स माइनस ओपनिंग नैव है 65.78 लिख दिया, प्लस कितना डिविडेंड मिला है 0.5, 0.32 ऐड कर दो, 0.5 प्लस 0.32 डिवाइड बाय ओपनिंग नैव 65.78। बस अब इसको सॉल्व करो मैथमेटिकली। सो 65.78 को इधर ट्रांसफर कर दें, 65.78 मल्टीप्लाई बाय 0.0125, सो
0.822225 + 65.78 माइनस, अब ये इधर आ जाएगा 0.5 माइनस 0.32, उधर तो x है ही, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्लोजिंग नैव इज इक्वल टू 0.8 प्लस 65.78 माइनस 0.5 माइनस 0.32 एंड ये फिर आपका आ जाता है 65.78। क्वेश्चन में अगर दो डेसिमल दिया है, उसने बोला है, देन इन दैट केस अपने को होशियारी नहीं करने का, लिमिट योर आंसर्स टू टू डेसिमल्स, लिमिट योर आंसर्स टू टू डेसिमल्स, समझे? बोले तो चगास। क्वेश्चन में अगर बोल दिया ना टू डेसिमल, तो फिर तो खत्म बात, ये ओवरराइडर है, ठीक है ना? एक वो लॉ में लिखते हैं ना टैक्स में, डायरेक्ट टैक्स में, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट, मतलब सेक्शन 12 को हटा सावन की घटा, मैं जो बोल रहा हूं वो समझ, है ना? ये होता है ना लॉ में तुम्हारा लैंग्वेज। सो नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन योर स्टूडेंट नोट्स, अगर मैंने क्वेश्चन में दो डेसिमल बोला है, डेलनाज ने कहा ना, तो दो ही डेसिमल आएगा। डन 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 डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, बताओ, कंफर्म करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। आइए, अ म्यूचुअल फंड कंपनी हैज द फॉलोइंग एसेट्स अंडर इट ऑन द क्लोज ऑफ द बिजनेस एज ऑन LMNP, नंबर ऑफ शेयर्स है, 1 फरवरी का मार्केट प्राइस, 2 फरवरी का मार्केट प्राइस, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स दिया है। Calculate the NAV of the fund. Following information is additionally given. Assuming one Mr. A submits a check of rupees 30 lakh to the mutual fund and the fund manager of this purchase is 8,000 shares of M Limited and the balance amount is held in the bank. In such a case, what would be the position of the fund? And also calculate the new NAV of the fund as on 2nd February. मतलब ये अपने को find करना है NAV as on 1st February. क्या बोलते हो पाएगा? करो, ट्राई करो, सम तो इजी है, लॉजिक जितना अपना हुआ है उस हिसाब से सॉल्व तो हो जाना चाहिए, बाकी देखो तुम कर पाते हो कि नहीं। वेरी गुड सौम्या, चलो पहले अपन लोग स्टार्ट करते हैं। नैव ऑन 1st फेब अपने को कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट रिक्वायर्ड पार्ट क्या है? कैलकुलेशन ऑफ नैव एज ऑन 1st फेब, एज ऑन 1st फेब, ठीक है? अब देखो इधर, पहले कभी भी फॉर्मूला लिखने का, राइट? क्या है फॉर्मूला? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स प्लस डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम एनी अदर इनकम,
less accrued expenses, outstanding liability. तो ये आ जाएगा आपका नेट एसेट वैल्यू. इसको डिवाइड करेंगे आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ. ठीक है, डन. तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं. एल एम एन पी का जो मार्केट वैल्यू है, एल एम एन पी कितने शेयर्स है उसके, 20,000 शेयर्स एल का, 38,000 एम का, 20,000 एंड 60,000. एट द रेट 20312.4 एट द रेट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 20312.4 361.2 505.1. क्या मिलता है? करेक्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. सही है, बोलो कितना आता है? 4 लाख. अरे बताओ तो सही कोई तो यार. ये कैलकुलेशन भी ये लोग यार एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवा रहे हैं यार, हद हो गया ये तो. शक्स यार, 1,18,71,200 मतलब वर्ड देख रहे हो इनका, सीए रखा है इन्होंने कैलकुलेशन करने के लिए. अच्छा है, अच्छा है. भोले भाले लोगों के साथ सब यही करते हैं, तुम भी कर लो. 3,03,000, 6,000, 3 लाख, 3 करोड़, 3,06,000. सो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आता है भाई? मैं प्लस में डालना भूल गया. 4,11,871,200, 7,224,000,003,06,000. तो कितना आता है? 49,81,200. अब देखो इधर. अब उसने एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया है अपने को कि कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है उसके पास 6 लाख. तो नो टेंशन फॉर अस. सो आउटस्टैंडिंग यूनिट्स 6 लाख यूनिट्स. सो अपने को मिल जाएगा नेट एसेट वैल्यू 1 फेब का. एंड दिस विल वर्क आउट टू रुपीज. ये मेरा क्यों कुछ और आ रहा है, तुम लोगों का कुछ और आ रहा है, मेरा कुछ एरर है? देखो ना, मेरा कुछ और आ रहा है, तुम लोगों का कुछ 78.384 आ रहा है. सौम्या, तेरा और मेरा क्यों आ रहा है? हाँ सौम्या पकड़ी गई, सौम्या कॉट यू. हाँ तो या तो ये बुक में रॉन्ग है या फिर है ना ये आई थिंक सैफ अच्छा पॉइंट बोल रहा है कि सर ये शायद प्रिंटिंग एरर है, ये 30,000 है. नहीं बट
करेक्ट, आई थिंक वैल्यू ऑफ एम कुछ और बेटर, वाह 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 सौम्या वाह। सो ये क्या रखूं मैं, ये 30,000 के 38,000 ही रहने दूं ना, हाँ वही 38,000 ही लेके चलते अपन। ओके सौम्या, नो प्रॉब्लम। चलो सो हम लोग आ रहा है एनएवी ऑन फर्स्ट फेब 4,980,120 डिवाइड बाय 6,83.002 पर यूनिट। सब लोग का आंसर यही आया है, डन, फर्स्ट पार्ट हो गया। एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी? नो, प्लीज कॉपी। ये एक मेरा चेंज हो जाएगा 118,71,200। ये नया हो जाएगा मेरा 83.002। प्लीज कॉपी, डन। ओके, अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं, अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं, ठीक है? बहुत अच्छा है ये सेकेंड पार्ट, ध्यान से सुनना। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन, अज्यूमिंग वन मिस्टर ए सबमिट्स अ चेक ऑफ रुपीज 30 लाख, फर्स्ट फेब को उसने 30 लाख का चेक इश्यू किया, फर्स्ट या सेकेंड फेब के दरमियान उसने चेक इश्यू किया 30 लाख का, एंड द फंड मैनेजर परचेज 8,000 शेयर्स ऑफ एम लिमिटेड एंड द बैलेंस अमाउंट इज हेल्ड इन द बैंक, इन सच अ केस व्हाट वुड बी द पोजीशन ऑफ द फंड। एक्चुअली ये 30,000 है, इसका मतलब क्योंकि फिर थिंग्स विल फॉल इन प्लेस, क्योंकि ये देखो ना, ये फिर 30 का ये 38,000 होता है और यहां पे भी फिर वो 38,000 होता है। तो एक काम करता है, एक काम करता है, तुम लोग ने अभी इधर तक कैलकुलेट किया है उसका टेंशन मत लो, बट यहां पे मेरे हिसाब से खाली एक छोटा सा चेंज कर दो, इसको 30,000 कर दो रादर देन मी चेंजिंग एवरीथिंग एल्स। ये ऐसे ही रहने देते हैं, अपन खाली एक रिवाइज कैलकुलेशन बता देते हैं उसको, उसको एक खाली रिवाइज कैलकुलेशन बता देते हैं। तो भाई एल तो वही रहेगा, एम भी वही रहेगा, एन भी वही रहेगा, पी भी वही रहेगा। सो 20,000, 30,000, फिर 20,000, 60,000, ट्वेंटी 312.4, 361.2, 505.1, सो 20,000 इंटू टू आई मीन इंटू 20 इज 4 लाख, थर्टी थाउजेंड इंटू थ्री वन टू पॉइंट फोर, 93.72, 20,000 इंटू 361.2, 72 लाख 24,000, 60,000 इंटू 505.1, तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं 303,000, टोटल आता है कुछ 4,73,02,000। इसको डिवाइड बाय 6 लाख यूनिट्स किया तो नैव आया
तो नैव आया कितना, नैव पर यूनिट इज 78.8367। अभी इसमें कुछ बोला है क्या राउंडिंग ऑफ का? कुछ नहीं बोला है। तो अपना क्या बात हुआ, नैव पर यूनिट अपन कितने डेसिमल तक लेंगे, 4 डेसिमल तक। तो 78.8367 पर यूनिट। डन, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या हुआ, तो देखो अब ये मेरा नैव एज ऑन 1 जैन है, नैव एज ऑन 1 जैन, आई मीन 1 फेब है ये मेरा, नैव एज ऑन 1 फेब है, नैव एज ऑन 1 फेब एंड, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 2 फेब को नॉर्मल टाइम के उस पे एक, हाँ एक मिस्टर ए करके कोई बंदा आया और उसने 30 लाख का चेक दिया, मिस्टर ए आए और उसने 30 लाख का चेक दिया। आप मुझे बताओ कि ये मिस्टर ए को अपन कितना यूनिट्स देंगे? क्वेश्चन में शायद नहीं पूछा है बट फिर भी मेरे को आपसे जानना है कि ये फेब, 1 फेब एंड पे 78.8367 का नैव पर यूनिट है, मिस्टर ए आए हैं अभी ₹30 लाख का चेक लेके, इनको अपन कितना यूनिट्स देंगे? मुझे पता है क्वेश्चन में ये नहीं दिया बट मैं एडिशनल नॉलेज इन्फो के हिसाब से लिखना चाहता हूं, तो आप मुझे बताओ। कितना यूनिट्स इश्यू होगा मिस्टर ए को? तो 2 फेब को वो नॉर्मल टाइम पे आया, मतलब 1 फेब का जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग है उस पे उसको नैव परचेज एंड सेल होगा, विच इज हाउ मच, 78.8367। तो 78.8367 पर यूनिट, ये उसका नैव है। आप बोलोगे सर क्लोज एंडेड हुआ, तो अब मैंने बोला था अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है तो ICAI बाय डिफॉल्ट अज्यूम्स इट टू बी ओपन एंडेड। सो कितना आता है देखो, 30 लाख डिवाइड बाय 78.8367। तो ये चीज ICAI ने अपने मॉड्यूल में नहीं पूछी है बट अपन ने एडिशनल इन्फो के हिसाब से कैलकुलेट करके रखा है, विच इज 38.053.2 यूनिट्स में जाएगा, 2 डेसिमल में 0.34 यूनिट्स। काफी सारे लोगों ने इसको राउंड ऑफ कर दिया है 0.84। डोंट डू दैट, नो, 4 रखना है ना, अपनी बात हुई ना, नैव 4 रखना है, नैव पर यूनिट 4 रखना है ना, डेसिमल बात तो हुई, ओके चल डन। अब सुनो क्या हुआ, अब मेरा जो फंड है उसमें एल एन और पी अभी भी उतना ही है, एल एन और पी अभी भी उतना ही है, कितना, 4 लाख और 72,24,000 और 3 करोड़ 3 लाख 6,000, ये तो इतना ही है बट एम में चेंज है। उन्होंने क्या बोला है कि ये जो एम है ना ये हमने और खरीद लिया, क्यों, क्योंकि ए के पास से 30 लाख का चेक आया तो करे क्या, तो हमको लगा कि एम खरीद लेते हैं, एम में ज्यादा अप्रिसिएशन होगा। भाई मैं हूं CIO, मैं चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हूं, ठीक है, मैं इस म्यूचुअल फंड का चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हूं, तो मैं डिसाइड करूंगा पैसा कहां यूज होगा। तो 30 लाख रुपए मेरे पास आया है मेरे फंड में, 30 लाख में से मैं एम का मैं खरीदूंगा शेयर्स। कितना शेयर्स मैंने खरीदा है, तो मैंने एम का खरीदा है, क्वेश्चन में दिया है 8,000 शेयर्स।
क्वेश्चन में दिया है सर मैंने एम लिमिटेड का 8000 शेयर्स खरीदा, तो एक शेयर कितने का है एम लिमिटेड का? 312.4। कितना? 312.4। देखो ये तो मैं फर्स्ट फेब वाले की डेट पे है खरीदने वाला हूं, सो यहां पे मैं खरीदूंगा एट द रेट, सो मेरे पास ऑलरेडी 30,000 एट द रेट 312.4 तो है ही, 30,000 एट द रेट 312.4 तो है ही, प्लस इधर मैं और ऐड कर लूंगा एट द रेट 312.4। ए समझू, बट कहानी में और एक ट्विस्ट है, ये जो 8000 है मल्टीप्लाई बाय 312.4 मैं करता हूं तो आता है 24,99,200, बराबर है। बट उसने तो मुझे 30 लाख रुपीज दिया है, तो बाकी का अमाउंट कहां गया? बाकी का अमाउंट मेरे पास कैश में पड़ा है। क्या नैव कैलकुलेट करते वक्त मेरे पास जो कैश पड़ा है वो भी आएगा क्या? ऑब्वियसली वो भी तो इन्वेस्टर का ही है, नैव मैं इन्वेस्टर के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं, सो वो भी ऐड हो जाएगा ऐड कैश बैलेंस। तो मैं बोलूंगा भाई 50 लाख का कैश देके गया था ना वो मुझे, 50 लाख का चेक देके गया था मेरा हीरो ए, 30 लाख का, ओके सॉरी 30 लाख का चेक देके गया था वो मेरे को, बट उसमें से मैंने एम जो खरीदा है वो मेरे को पड़ रहा है 24,99,200 में, मतलब कितना कैश मेरे पास रह गया? सो इट विल बी 5,800। समझे क्या? बाकी ये 4 लाख ज्यों का त्यों, 72,24,000 और यहां पे ये एक चीज ऐड हो गई है विच इज 8,000 × 312.4 विच इज 24,99,200। तो सर बेसिकली 30 लाख ऐड करते तो भी चलता? चलता, बट मुझे एक बार आपको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना, सो दैट इज द रीजन ये दोनों चीजें जो ऐड हुई है वो मैंने यहां पे आपको बता दी। तो अब रिवाइज नैव कितना हो जाएगा? रिवाइज नैव ये डे एंड का नैव नहीं है, खाली रिवाइज नैव अगर मेरे को अभी कैलकुलेट करना है तो मैं बोलूंगा कि भाई 4,730,200 है, 4,730,200 है, इसमें मैं शायद अगर 30 लाख ऐड कर देता हूं डिवाइड बाय 6 लाख करता हूं तो मुझे रिवाइज नैव मिल जाएगा। चलो अब जानवी का एक अच्छा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। जानवी का और धनंजय का क्वेश्चन है कि सर वैल्यू तो अपन सेकेंड फेब की लेंगे ना एम के लिए, अपन तो बोलेंगे ना एम अपन लोग ने सेकेंड फेब को समझो परचेस किया है, सो यहां पे इधर गया, हाँ ये अपन लोग ने सेकेंड फेब को खरीदा है तो ये सेकेंड फेब का 360 पे खरीदा होगा ना। नाउ लेट मी टेल यू, जब आपको म्यूचुअल फंड के कैलकुलेशन के लिए कोई भी वैल्यू दी जाती है ना, इट इज अज्यूम्ड के उसके वो डे एंड की वैल्यू है, डे एंड की वैल्यू है, एंड आपका ये 312.4 पूरा एंड तक चलता रहेगा टिल द मार्केट क्लोजेस डाउन। मार्केट हैज क्लोज डाउन एट 360 बट वो क्लोजिंग वैल्यू है, तो पूरे दिन में सेकेंड फेब को कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो क्या चलता रहेगा? करेक्ट, येस्टरडे का ही शेयर वैल्यू। आइडियली तो एवरी सेकेंड चेंज होता है, बराबर है तुम लोग का बात, सो उस हिसाब से सो बाय डिफॉल्ट ये अपने को एक नोट भी लिखना पड़ेगा, स्टूडेंट नोट पे भी लिखेंगे, एंड इन जनरल देयर इज अ डिफॉल्ट अजम्पशन बाय आईसीएआई कि अगर आपको आज का शेयर मार्केट प्राइस नहीं दिया है सो लास्ट डे का जो दिया है वो ही कंटिन्यू होगा, क्योंकि ये जो दिया है वो लोग ने दैट इज अ क्लोजिंग प्राइस, दिस इज अ क्लोजिंग मार्केट प्राइस, क्योंकि उनको नेट एसेट वैल्यू ये क्लोजिंग के ऊपर कैलकुलेट करना होता है। समझ में आया धनंजय एंड जानवी? करेक्ट, सो नैव जब एंड ऑफ द डे पे अपन कैलकुलेट करेंगे तो वो टाइम पे अपने को क्लोजिंग वैल्यू चाहिए वो शेयर्स का, वो वही दिया हुआ है, नैव सेकेंड फेब का क्लोजिंग वैल्यू दिया हुआ है, और इसके लिए पूरे दिन में ऑब्वियसली कुछ ऊपर नीचे हुआ रहेगा शेयर में, बट
इट इज अज्यूम्ड कि वो 312.5 ही चल रहा है, डे एंड पे 360 हो गया. समझ गए एवरीबॉडी? क्लियर हुआ क्या? और धनंजय एंड जानवी प्लीज कंफर्म कर दो. डन. ओके, तो इधर चाहिए तो अपन लोग लिख भी लेते हैं नोट. मैं तुम लोग को एक नोट लिख लेता हूं. इन एब्सेंस ऑफ इन्फो द करंट परचेज ऑफ शेयर्स टुडे is based on yesterday's market price unless otherwise specified. मतलब अगर बोलो बोल देने भाई आज 2 February का हम प्राइस दे रहे हैं तुम्हारे को, क्लोजिंग नहीं बीच का भी प्राइस दे रहे हैं, तो फिर बोल ले लो unless otherwise specified. धनंजय एंड जानवी एंड अदर्स हैव टू कंफर्म. सबको समझ में आया उनका डाउट और उनका अपना रीजनिंग? क्लियर एवरीबॉडी? चलो अब अपने को क्या पूछा है उसने? अब उसने पूछा अपने को फॉलोइंग व्हाट वुड बी द पोजीशन ऑफ द फंड. तो फंड का पोजीशन क्या होगा? इतने अमाउंट से 30 लाख से बढ़ जाएगा. चलो अब थर्ड पार्ट पे आते हैं. अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं. थर्ड पॉइंट क्या है देखो जरा. न्यू नैव एज ऑन 2 February. तो वापस से एल एम एन ओ कितना शेयर्स है उसके पास. ये कैलकुलेशन ऑफ न्यू नैव कब का? 2 February का. 2 February का. और नहीं, 2nd केस में रिवाइज नैव कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. टाइम है तो कर लेना, पूछा नहीं है उन्होंने. थर्ड पार्ट में पूछा है. थर्ड पार्ट का कैलकुलेट करेंगे अपन. तो 20,000 शेयर्स है मेरे पास, 38,000 शेयर्स है, 20,000 शेयर्स है, 60,000 शेयर्स है. सबका मार्केट वैल्यू लेना है मेरे को. तो बोलो कितना आएगा? 20.5 360, 383.1, 503.9. सही है. सो अपने को फाइनली मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा. ओके, जानवी पोटे हैज कंफर्म, नाउ शी इज क्लियर. गुड. सो 20,000 इंटू 20.5, 410,000, 38,000 into 360, 1,36,80,000, 20,000 into 383.1, 76,62,000, 60,000 into 503.9, 3 crore. 2,34,000 हो गया. वेट 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 भाई, कैश का क्या? कैश तो मेरे पास एफए ही पड़ा है ना, तो वो कैश का मैंने मार्केट वैल्यू क्या बोला था? कैश का आएगा, बट कैश का मार्केट वैल्यू उतना ही अमाउंट रहेगा, बट आएगा मेरे नैव के कैलकुलेशन में. ध्यान रखना, आएगा मेरे नैव के कैलकुलेशन में. सो 5,08,800. सो एड कैश विद द फंड. पैसा तो पड़ा है ना. इन्वेस्टर बोलेगा भाई मेरा ही पैसा है, एफए कैफे. सो 5,08,000 अपना जो पुराना था वो ही पड़ा है, उसको अपन ने कुछ नहीं किया. समझ गए. सो ये हो गया अपना टोटल. बोलो कितना आ रहा है अभी? 5,24,86,800. 5 crore
24 lakh 86,800, ये उसका नेट एसेट है। कुछ भी लायबिलिटीज या एक्सपेंसेस तो है नहीं। डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स, बोलो कितना है आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स, 6 लाख था, प्लस जो ए आया उसको अपन लोग ने कितना यूनिट्स दिया, ये अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, है कि नहीं कीर्तिमान? रिवाइज नंबर ऑफ यूनिट्स, सो इसको अपन लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। सो सीधा यहां से पिकअप करना है 38053.34, सो 38053.34, सो डिवाइड बाय 638053.34, सही है? बोलो कितना आता है? एंड दिस इज 82.26 पर यूनिट। नैप इज इक्वल टू, जानवी एक डैब तो बनता है यार, जानवी एक डैब तो बनता है, क्या मानते 82.2608 पर यूनिट, राइट? प्लीज कॉपी। चलो ग्रेट, ऑसम, मजा आया? आज होमवर्क मिलने वाला है, याद रखना होमवर्क मिलने वाला है आज भाई। सुख भरे दिन भी तेरे भैया। ठीक है, सीरियसली ये 3 आवर्स कैसे पता चल चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है। सीरियसली मुझे भी नहीं पता चलता यार, तुम्हारे साथ 3 घंटे कहां जाते हैं एक्चुअली नहीं पता चलता है। नहीं 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 होमवर्क क्या है मैं बता रहा हूं भाई, पहले ये कंफर्म कर लो सब लोग का हो गया। सर अब क्लास के साथ कैसे पढ़े, नॉट रिक्वायर्ड ना, अभी तो प्रांजल चल रहा है, वैसे चलने दो मैं बताऊंगा, अभी खाली होमवर्क करते जा बस, तो ऑटोमेटिकली उतना पढ़ाई हो जाएगा जितना चाहिए, और बाकी तो अपन क्लास में एज सच रिवाइज कर ही रहे हैं जो भी हो रहा है, क्या बोलते हो? स्टूडेंट नोट्स सौम्या बना रही है और तुम लोग बुक आ जाएगा बाद में, जब चैप्टर खत्म होगा ना मैं एक साथ सब साथ में लिखवा दूंगा, नॉट टू वरी एट ऑल। लाइक अहमद बोल रहे हैं सर ट्राई टू स्टार्ट द क्लास एट 6:30, आई हैव नो इश्यूज, बट मुझे एक दो जन दो तीन जन का मैसेज आया कि सर इतना जल्दी हम लोग का लाइब्रेरी नहीं खुलता है या नहीं हो पाएगा, घर पे इश्यूज है व्हाटएवर, बट ठीक है, इवेंचुअली आई थिंक वी विल हैव टू मूव टू 6:30, वी विल मूव, डोंट वरी। अभी एज ऑफ नाउ 7 AM ही है, बट इवेंचुअली थोड़ा हो जाने दो ना सेटल, अभी तो 2-3 दिन हुए हैं, ऐसा लग रहा है अपना जैसे 2-3 साल से एक दूसरे को जानते हो, 2-3 साल से कर रहे हैं अपन SFM साथ में, 2-3 दिन हुआ है कर रहे, बढ़ाऊंगा टाइम भी बढ़ा दूंगा, मुझे बढ़ाना ही पड़ेगा। बुक बुक का ट्रैकिंग के लिए कॉल करो तुम लोग हमारे हॉटलाइन नंबर पे, वो लोग बता देंगे। रिश्ता है पुराना तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लगाता, कोई जाने तू या जाने ना, अरे माने तू। मेरा व्हाट्सएप नंबर त्रिपाठी जी आप लिख लीजिए, आपको कभी भी कोई भी दुविधा हो क्वेरी हो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, इन केस मैं रिप्लाई ना करूं तो मुझे रिमाइंडर दे दीजिए, 1 बार 2-3 बार 10 बार बिंदास, कोई टेंशन नहीं है। अब मैं आपको होमवर्क क्वेश्चंस दे रहा हूं, होमवर्क करके आना, स्टार्ट है इसके लिए सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क में, धीरे धीरे उसका भी लेवल बढ़ाऊंगा, खाली 2 ही दे रहा हूं अभी, Question 3 and Question 16। ठीक है,
एकदम एकदम तुम लोग के औकात वाले समझे, लेवल वाले समझे। प्लीज एवरीबॉडी होमवर्क लिख लीजिए, ठीक है? चलो भाई, विरह का टाइम आ गया है, बट विरह जरूरी है ताकि अगले दिन मिलन हो सके। विरह मतलब जुदा होना, मिलन मतलब मिलना। तो कल के मिलन के लिए आज का विरह जरूरी है। सो टाइम फॉर मी टू से अस्ता लविस्ता गाइस। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। एनीथिंग एल्स यू कैन जस्ट ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप। चलो बाय। आई होप सब लोग ने लिख लिया होगा, बाकी फॉर्मूलाज और वो सब अपन स्टूडेंट नोट्स में लिख लेंगे। माय पेरेंट्स आर लाफिंग, वाह वाह वाह, बराबर है ना, उनको पूछ ले भाई। द रियलाइजेशन ऑफ मीटिंग इज हैप्पियर ओनली जब अपन जुदा हो पाए। आज का पीडीएफ कम्युनिटी ग्रुप पे डाल दो ना, इफ कन्वीनियंट। कन्वीनियंट कन्वीनियंट, नो प्रॉब्लम। यस यस, प्लीज शेयर द पीडीएफ ऑफ नोट्स, डन। तो आज टीम को बोल के वो गूगल ड्राइव का लिंक ही शेयर करवा देता हूँ ग्रुप पे, तो तुम लोग वहां से सब डाउनलोड करते रहना, डोंट वरी। थैंक यू सो मच गाइज, हस्ता ला वेस्ता, बाय बाय। चलो अच्छा है, तुम्हारे पेरेंट्स भी लेक्चर सुन रहे हैं। एक के साथ दो जन का फाइनेंशियल भला हो जाएगा। ओके ओके गायत्री, अब मेरे मॉम के भी आप फेवरेट टीचर बन गए हो, क्या बात है। आंटी जी ना नमस्कार दयामता। चलो गाइस, थैंक यू, बाय बाय, सी यू ऑल टुमारो मॉर्निंग, टेक केयर।